नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मैं रविंद्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनवीएस के अंदर जो नॉन टीचिंग की जो 1377 वैकेंसीज निकली थी दोस्तों, उनकी जो एग्ज़ाम डेट है वो क्या है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई अब जो आपके पास समय बचा हुआ है, बहुत ही कम टाइम आपके पास बचा हुआ है, इस समय में आप जो है किस प्रकार से अपनी एनवीएस की तैयारी को बूस्ट दे सकते हो, डिटेल में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है और विद मैं आपको एग्जाम डेट यहां पे बताने वाला हूं, जैसे यानी जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट की, लैब अटेंडेंट की, स्टाफ नर्स की, मैस हेल्पर की, इलेक्ट्रीशियन की और भी जो वैकेंसी निकली हैं सभी की एग्जाम डेट यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि वहां पर मैं आप सभी को भाई पल पल की अपडेट्स जो है देता रहता हूं एनवीएस से रिलेटेड। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें भाई, देखो सबसे पहले तो हम एग्जाम डेट के बारे में ही बात कर लेते हैं दोस्तों। पहले हम जो है प्रीवियस ईयर को लेकर चलते हैं भाई। आप सभी को पता है 2020 के 19 के एंड में लगा लो भाई, 2019 के एंड वैकेंसी आई थी, उसके बाद 2022 के अंदर वैकेंसी आई है, उसके बाद 2024 के अंदर भी जो है एनवीएस की वैकेंसी आई है। तो यहाँ पे एग्जाम की अगर हम बात करें तो एनवीएस भाई बहुत ही जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराता है दोस्तों। भाई भले ही ज्वाइनिंग ले देते हो लेकिन एग्जाम कंडक्ट कराना, उसके बाद स्किल टेस्ट लेने में बहुत ही जल्दी जल्दी जो है ये सारा प्रोसेस कवर कर लेते हैं। सो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो 2022 में वैकेंसी निकली थी, आप सभी को पता है आपका जो एडवर्टीजमेंट निकला था, फॉर्म निकले थे 12 जनवरी 2022 को, लास्ट डेट थी दोस्तों 10 फरवरी 2022। उसके बाद यहाँ पे देखो भाई लास्ट डेट एक्सटेंड नहीं हुई थी और यहाँ पे अगर हम एग्जाम डेट की बात करें तो 8 मार्च से लेके 13 मार्च तक जो है इनका एग्जाम चला था, यानी ज्यादा समय आपको नहीं दिया गया है दोस्तों। आप मान के चलो कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मंथ का टाइम ही इन्होंने दिया है लास्ट डेट से लेके एग्जाम डेट तक, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों 2019 के अंदर भी आपकी जो है वैकेंसीज आई थी दोस्तों, जिसमें यहाँ पे भाई 10 जुलाई को आपके फॉर्म निकले थे, उसके बाद 25 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट थी दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें भाई लास्ट डेट एक्सटेंड हुई ही लगा लो क्योंकि टाइम यहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए काफ़ी अच्छा खासा दिया था। उसके बाद अगर हम बात करें भाई एग्जाम डेट की तो यहाँ पे दोस्तों 25 अगस्त लास्ट डेट है और 16 सितंबर को इन्होंने एग्जाम ले लिया। तो यहाँ पे तो अगर हम देखें दोस्तों तो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 20 दिन का ही जो है समय यहाँ पे दिया गया था। तो दोस्तों अगर हम बात करें भाई एग्जाम डेट की तो अब की बार जो एग्जाम है वो भी आपका बहुत ही जल्द हो जाएगा, भले ही यहाँ पे जो है डिले आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, लेकिन मैं आपको एग्जैक्ट एग्जाम डेट बताने वाला हूँ और वो जो है भाई ऑफिशियली आप कंफर्म ही लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि काफी जो है एक जनवन सोर्सेज से मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिली है दोस्तों। एप्लीकेशन आप सभी को पता है 22 मार्च से स्टार्ट हुई है, लास्ट डेट जो है 14 मई है दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो एग्जाम है भाई, देखो आपका एग्जाम की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, वो जो है आपका एग्जाम जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों। जुलाई के फर्स्ट वीक के अंदर आपका जो है एग्जाम है भाई, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो एनटीए लेगी दोस्तों, ठीक है। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम है, एग्जाम कौन लेने वाली है भाई? एनटीए लेने वाली है, क्योंकि आप सभी को पता है 25 से लेकर 28 जून तक किसके एग्जाम है दोस्तों? यहाँ पे भाई CSIR नेट के एग्जाम है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों आपका जो एनवीएस का नॉन टीचिंग का एग्जाम है जुलाई के फर्स्ट वीक में 101% आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इसी को डेडलाइन मान के आप जो है अपनी प्रिपरेशन कीजिए और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं दोस्तों तो यहां पर भी मैं आप सभी के लिए बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो जो है प्रोवाइड करने वाला हूं सभी सब्जेक्ट्स की। तो कमेंट करके आप मुझे जरूर से बताइएगा दोस्तों कि कौन कौन कैंडिडेट जो है एनवीएस को टारगेट कर रहा है, कौन कौन कैंडिडेट ने जो है एनवीएस का फॉर्म भरा है और वो जो है इसकी प्रिपरेशन कर रहा है, किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।